हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो सेंटर टेबल है उसका हालत बहुत ही ख़राब हो चुका है। तो थोड़ा बहुत मैं मेकअप वर्क करूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सेंटर टेबल है थोड़ा सा रफ़ जैसा हो गया है। बच्चे सारे कुछ कलर्स वगैरह लगा दिए है और उसका कलर भी थोड़ा सा ऑफ हो गया है। तो हम लोग ने ऑनलाइन से वुड वॉलपेपर ऑर्डर किए थे, तो आज मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। वैसे कुछ प्रोफेशनली हम लोग को इस बारे में आइडिया नहीं है, बट हम कैसे अप्लाई किए हैं ये सेंटर टेबल के ऊपर, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। और ये जो वॉलपेपर है आप कोई भी सेल्फ में लाइनर जैसा लगा सकते हैं, फर्नीचर में लगा सकते हैं, कोई भी अलमीरा टेबल टॉप वार्डरोब में लगा सकते हैं, या किचन कपबोर्ड में भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे ये वॉलपेपर अप्लाई करने के लिए मैं हस्बैंड की हेल्प लूँगी। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से आप लोगों को दिखाया है कि हम लोग कैसे अप्लाई किए हैं, तो बस आप लोग देखिए, आपको भी बहुत इजी होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत इजीली हम लोग ने कैसे अप्लाई किए हैं सेंटर टेबल के ऊपर। और ये बहुत इजी होता है अप्लाई करने के लिए। और देखिए बिफोर हम लोग का जो सेंटर टेबल है किस तरह से दिख रहा था, अभी कितना अच्छा लग रहा है, जैसे कि न्यू सेंटर टेबल जैसा लग रहा है। ये वॉलपेपर बच्चे लोग का स्टडी टेबल में, कोई भी सेंटर टेबल में भी आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है हमारा अभी सेंटर टेबल। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलूंगी आपको न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड गुड बाय।